चाहता हूं। यह आप हमसे ज्यादा आइंदा इस दिल के साथ में मजलूम होने वाले हो और आप पर सबसे ज्यादा लंगी तलवार उनकी कायम होने वाली है। आप हम सबका साथ दीजिए और आप गली गली कूचा कूचा मंडल मंडल हमारे नौजवान मुसलमान जमीयत उलमा का यह स्टेज जिसने 100 साल की अपनी एक तारीख है इस मुल्क को जैसे आजाद कराया था, अगर हमारा ये इलाका जैसे हजरत अली जमीयत उलमा निर्मल के एक जियाले ने आवाज लगाई और आप यहाँ आ गए मौलाना मुफ्ती और आप उनके आवाज पर यहाँ आए गोया जमीयत की आवाज पर आए, मैं आप तमाम नौजवानों से कहना चाहता हूँ एहतजाज जलसों में और रियालियों में यकीनन है लेकिन हमें जमीनी सतह पे बहुत काम करने की जरूरत है, मजबूत काम करने की जरूरत है। इन तमाम भाइयों को लेकर इस लड़ाई को हमें लड़ने की जरूरत है तभी हम इन सालिम हुक्मरान से उनको नीस्त नाबूद कर सकते हैं, जलील और रुसवा कर सकते हैं। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? आप जरूर तैयार हैं इंशाल्लाह। आप गली गली इन भाइयों को साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर इस मुल्क का नक्शा बदलेगा और इस मुल्क के हालात बदलेंगे। हमारे साबिर भाई जो जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी हैं, हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि इस वक्त मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों के अंदर ऐसे कायदीन को लेकर मंडल मंडल डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट फिर रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं और जमीयत उलमा यही काम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह आजादी में भी गांधी को आगे बढ़ाया था और आज भी इन और इनके बड़े लीडरों को आगे बढ़ाकर मुख्तलिफ जिलों के अंदर रोज प्रोग्राम हो रहे हैं जमीयत उलमा के तहत निजाम जो है आंध्रा में और तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में आज यहाँ हो रहा है, इसलिए आप यहाँ के इलाके में भी साथ देने की जरूरत है। मैं बात को अपने खत्म करता हूँ, इन हजरात के सिलसिले में कहने जाता हूँ ताकि हमें भी और इन्हें भी एक दूसरे को प्यार मिले। नया प्यार का एक चमन चाहता हूँ, नया प्यार का एक चमन चाहता हूँ, मैं जमजम गंगा का मिलन चाहता हूँ, मैं जमजम गंगा का मिलन चाहता हूँ। रहे साथ हिंदू मुसलमान मिलकर, रहे साथ हिंदू मुसलमान मिलकर, दुआओं में बस मैं यही मानता हूँ। आप एक इनकलाब इनकलाब इनकलाब, हम सीए से आजादी चाहते हैं, हम सीए से एनआरसी से एनपीआर से आजादी,